सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मिलन। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ कैशनाव के बारे में, क्योंकि एक नेपाली भाई ने पूछा है कि कैशनाव से लोन अप्लाई करना चाहते हैं और रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो मैं कुछ आइडिया दूंगा आपको, टिप्स दूंगा, तो उसका हेल्प से आप ट्राई कीजिए, शायद हो सकता है आपके लिए लोन अप्रूवल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कैशनाव पे चलते हैं। और कैशनाव में अगर आप लोन कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो भूलकर भी आप कैशनाव का अकाउंट जो है डिलीट मत कीजिए, क्योंकि जैसे आपने डिलीट कर दिया अकाउंट और यहाँ पर आपका नंबर डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, द अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड ऑन कैशनाव, प्लीज़ यूज़ अनदर नंबर बोल के। अगर आप अनदर नंबर भी यूज करते हैं फिर भी आपको क्या होता है कि इमिडेट्स आईडी डालने को बोलता है। अगर आप इमिडेट्स आईडी स्कैन करेंगे तो अकाउंट ऑलरेडी डिलीटेड बोल के आएगा और आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट नहीं होगा फिर से। ठीक है, तो मैंने भी डिलीट कर दिया था अकाउंट, तो इसलिए मैं नहीं खोल सकता अभी, लेकिन मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार लोन दिया है पहले भी। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप साइन इन है अपना फ़ोन नंबर के साथ और आपने ऑलरेडी इमिडेट्स आईडी वगैरह का स्कैन कर दिया है तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 1500 का ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा। अगर आपने 1500 का लोन ऑलरेडी ले चुके होंगे तो आपको 3000 तक का मिलेगा, नहीं तो स्टार्टिंग में आपको 300 से लेकर 500 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 2-3 दिन बाद में पेमेंट करके आप अमाउंट को बढ़ा करते करते आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट भी लगेगा, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका लोन जो है अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में यहाँ पर डिलीट अकाउंट क्या क्या ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर इंक्रीस लोन अमाउंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको डालना है आपका बैंक अकाउंट का जो सैलरी का जो स्टेटमेंट होता है, जो भी अपना आपका सैलरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर पे स्लिप वगैरह, उसको डालिए। और जो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा वो वेरीफाई कीजिए। और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका पासपोर्ट कॉपी वगैरह या फिर जो आपका जो सेविंग अकाउंट में अगर पैसा वगैरह पड़ा हुआ है तो वो वगैरह, नहीं तो आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है तो सैलरी सर्टिफिकेट, वो सब कुछ डालिए, उसके बाद में ट्राई कीजिए। और दिन में एक ही बार ट्राई करना गाइस, एक बार या फिर दो बार, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका नहीं होगा। और एवरीडे ट्राई कीजिए, नहीं तो आप 1 वीक गैप कर दीजिए उसको, और 1 वीक के बाद में ट्राई कीजिए, नहीं तो 15 दिन बाद में ट्राई कीजिए। ये कोई कैशनाव की तरफ से डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होता ये लोन, ये जो है सिस्टम ऑटोमेटिक रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप कैशनाव को कॉल भी करेंगे तो तब भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो वीडियो लाइक करके जाना गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।